Hello students, how's you all? In last video of tense, we had discussed about the present perfect tense, and in present perfect tense, we had discussed about the affirmative sentence and negative sentence. And in this video, we are going to discuss about the interrogative sentence. So let's start today's topic. What is interrogative sentence? As I told you before, interrogative sentence क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कितने, कैसे आदि आते हों। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कितने ऐसे शब्द क्वेश्चन वर्ड आते हों, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी हैव डिस्कस अबाउट द रूल वन एंड रूल टू, एंड दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रूल वन एंड रूल टू। सो लेट्स डिस्कस रूल वन। ओके, रूल वन क्या है? इफ़ अ सेंटेंस हैज स्टार्टेड विथ व्हाट या क्या, कोई सेंटेंस जो व्हाट या क्या से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक, तो इसके लिए क्या रूल बनता है? वो है कि हैज़ या हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ये हैज़ और हैव। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज़ और हैव हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ बन जाता है, मतलब कि क्या के लिए हम यह हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, जो कि होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या ही, सी, इट या किसी का नेम होगा, तो हैज़ का यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे, वी, आई, यू, समथिंग ऐसा होगा तो हैव का यूज़ करेंगे। और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जो रूल नंबर वन है, यह किसके बारे में है? इफ़ अ सेंटेंस हैज स्टार्टेड विथ व्हाट, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या शब्द पहले लगे हों, एकदम सबसे पहले क्या शब्द लगे हों। हियर आर सम एग्जांपल्स आल्सो। फर्स्ट है, क्या वह किताब पढ़ चुका है? तो इसका क्या बनेगा? क्या पहले है तो, और ये वह है, वह के लिए बनेगा हैज़ हो गया, वह के लिए ही, सब्जेक्ट हैज़ ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना इसका होता है थर्ड फॉर्म रीड। ओके, चूँकि रीड का फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, सेकंड रीड, और थर्ड भी रीडी होता है, तो स्पेलिंग सबकी सेम होती है, बस प्रोनंसिएशन चेंज होता है। तो ये थर्ड फॉर्म जो रीड होता है, इसे रीडी बोलते हैं। तो हैज़ ही रीड क्या पढ़ चुका है? बुक, हैज़ ही रीड बुक, ऐसा लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? हैज़ ही रीड बुक। हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि वह हमारा जो ही है, वह है, वह सिंगुलर है, पढ़ना वर्ब होता है, इसलिए रीड लगाया, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, और क्या पढ़ा है तो बुक। ओके, आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल, क्या वे लोग खाना खा चुके हैं? क्या के लिए क्या पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लूरल लगेगा हैव, वे लोग के लिए दे, तो हैव दे, क्या खा चुके हैं? खाना, तो खा चुके के लिए ईटन, हैव दे ईटन, क्या खा चुके हैं? खाना, फूड, फूड लिख के क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा? हैव दे ईटन फूड। यहाँ पे हैव क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वे लोग, वो प्लूरल है। ओके, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है। फिर क्या है? खाना खाने का, तो वे लोग के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, खाना खाना वर्ब है, तो ईटन का यूज़ हुआ है, और खाना के लिए फूड का यूज़ हुआ है। एंड वी नो दिस इज़ अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक मार्क भी यहाँ लगता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं, रूल टू, ठीक है। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम रूल वन एंड रूल टू के बारे में पढ़ते हैं, तो दिस इज़ रूल टू। रूल टू क्या कहता है? इफ़ द सेंटेंस हैज़ क्वेश्चन वर्ड, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर ये इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, अगर वाक्य के सेंटेंस के बीच में दिए हों, ठीक है,
वो था पहले रूल वन कि जो ये क्वेश्चन वर्ड ये जो क्या होता है ये सेंटेंस के स्टार्ट में दिया होता है, बट इन रूल टू क्वेश्चन वर्ड जो दिए हैं ये सेंटेंस के मिडिल में होता है। तो उसके लिए क्या रूल बनता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या है तो व्हाट, कहाँ है तो वेयर, कब है तो व्हेन, कितना है कैसे है तो हाउ, क्यों है तो व्हाई, ये लगाएंगे। प्लस हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करेंगे। प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, जो भी होगा, आई सी यू वी जो भी हो। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, फिर सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट का और फिर क्वेश्चन मार्क का। ओके, हियर आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स फॉर यू, लेट्स डू इट। ओके, फर्स्ट है वह स्कूल क्यों गया है, वह स्कूल क्यों गया है। मैंने बताया था इसकी पहचान कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, समथिंग बताया था मैंने ना, आ है, ए है, तो ऐसे वर्ड्स मैंने भी बताया था जो परफेक्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो मैंने ऊपर तो चुका है, चुकी है रूल वन में लिया था, और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे चुके वर्ड को ना लेके ऐसे वर्ड्स लिए हैं जो आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है, और आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है वह स्कूल क्यों गया है, तो क्या बनेगा। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आया है ना, क्यों क्वेश्चन वर्ड है बीच में आया है, तो क्या बनेगा, वाई हो गया क्यों का। फिर क्या लगता है, हैज़ या हैव, तो हमने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया क्योंकि वह क्या है, लड़का है और सिंगुलर है। उसके बाद सब्जेक्ट हमने ही का यूज़ किया, वाई हैज़ ही, कहाँ गया है, गोन, तो गया मतलब जाना, और गो का होता है जाना, इसका थर्ड फॉर्म होता है गोन, गो वेंट गोन, गोन हो गया, कहाँ गया है, स्कूल, तो गोन टू स्कूल, तो वह स्कूल क्यों गया है। नेक्स्ट है तुमने क्या किया है, तो इसका भी देखिए क्या, ये वर्ड बीच में है, क्या का क्या होता है, व्हाट लगा दिया, और यहाँ पे तुमने है, यू प्लूरल होता है, तो हमने हैव का यूज़ हुआ किया है, हैव का यूज़ हुआ है यहाँ पे, तुमने के लिए सब्जेक्ट यू का यूज़ हुआ है, और क्या किया, तो करना मतलब डू, ठीक है, डू डिड डन, यहाँ पे डन का यूज़ होगा क्योंकि डन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू की वर्ब, डू जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है कि वे लोग कब गए हैं, कब का क्या होता है, व्हेन, वे लोग क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, दे, इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, हैव। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे, वे लोग का क्या होगा, दे गए हैं मतलब गॉन, तो व्हेन हैव दे गॉन, वे लोग कब गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक हैज़ कम्प्लीटेड नाउ एंड यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ रिवाइज ऑल टॉपिक्स एट योर होम। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड टेस्ट। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।